शिवपुरी जिले के खनियाधाना में पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अशोक बाबू शर्मा ने बड़े कार्रवाई करते हुए चोरी की 18 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। बता दें कि पुलिस द्वारा जब्त की गई इन बाइक की कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है। दरअसल खनियाधाना नगर में आए दिन मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसके चलते थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मोटरसाइकिल चोरी करने वालों की छानबीन कर बराबर नजर बनाए हुए थे। इसी दौरान पुलिस को कामयाबी मिल गई है और पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए खनियाधाना नगर और आसपास के क्षेत्र से चोरी की गई मोटरसाइकिलों को जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये खनियाधाना थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें खनियाधाना पुलिस ने दो चोर जिनके नाम भूरा और गोपाल पाल और ब्रह्म राजा यादव है, उनको गिरफ्तार किया है और पुलिस पूछताछ में उन्होंने अपने कब्जे से पुलिस को 18 मोटरसाइकिल बरामद करवाई है, जिनकी कीमत लगभग 14 लाख रुपए आकी गई है। और इन्होंने एक अपने साथी का नाम भी बताया है, शोभाराम जाटव, उसको भी पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही है। ये लगभग 18 मोटरसाइकिल की 14 लाख कीमत आकी गई है और हम जो मोटरसाइकिल मालकों का पता लगा के उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि खोई हुई चोरी गई मोटरसाइकिल अपने असली मालिकों तक पहुँच सकें।